हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए ब्लॉग। तो गाइज़, हम लोग रेडी हो चुके हैं और सारे लोग भी तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सबसे पहले खाना खाने जाएंगे और खाना खाने के बाद जो है हम लोग 7 पॉइंट्स घूमने जाएंगे। तो खाना खाने के बाद करेंगे यहाँ से टैक्सी जो हमें ऊपर पहाड़ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पहाड़ की तरफ हैं। तो आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी लोग थके हुए थे, तो थकान उतारने की वजह से हम लोग थोड़ा सा टाइम हमने रूम पे ही स्पेंड किया। तो अब लग रही है बहुत तेज़ की भूख, तो कुछ खाते हैं। गाइस चलते हैं और फिर मैं यहाँ के आपको कुछ दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट। गाइस अभी हम आ गए हैं ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे मैच चलता है और मैच के अलावा यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स होते हैं। तो ग्राउंड के जस्ट सामने ही एक बहुत प्यारी सी मस्जिद है, बहुत प्यारा सा मंदिर है और एक बहुत प्यारा सा ही गुरुद्वारा भी है। तो यहाँ पे और भी जो व्यू है वो भी काफ़ी बेहतर आता है और बहुत ज़्यादा ही बढ़िया शो होता है व्यू यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा यहाँ का ग्राउंड की कितना बड़ा है। तो चलिए मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ यहाँ का। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे, चलते चलते थक गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चिकन बिरयानी खाने। फाइनली गाइज हम लोगों ने खा लिया है खाना और अब हम लोग जा रहे हैं 7 पॉइंट्स घूमने। वहाँ पे पहला पॉइंट जो है लवर पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है। तो इमरान ने सोचा है कि वो वहाँ जाके थोड़ा सा सुसाइड करके देख ले और सारे अपने अपने चीज़ों में लगे हुए हैं। और हमारे साथ एक और ब्लॉगर आए हुए हैं, वो अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे 7 पॉइंट्स पे। तो हमने जो है गाड़ी बुक कर दी है और जैसे ही गाड़ी आती है हम लोग वहाँ जाके शूट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं हिमालय पॉइंट पे और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो इमरान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कहता है यहाँ से हिमालय दिखेगा। क्या आपकी आंखें इतनी तेज़ हैं कि आप हिमालय देख सकें? बिल्कुल, चील से भी ज़्यादा तेज़ मेरी आंखें हैं। तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं हिमालय पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग आए हुए हैं 2nd पॉइंट घूमने, जो कि ऊपर से जो लेक है, नैनीताल लेक जिसे बोलते हैं, तो वो जो लेक है वो मैंगो की जो शेप है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगा ऊपर से कि क्या शेप है उसका। और व्यू भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा औसम है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो आते हैं व्यू के देखने के लिए ही आते हैं नैनीताल में। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसे व्यू कितना ख़तरनाक आता है। तो गाइज अब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे एक गुफा में जहाँ से ठंडी हवा आती है। तो ये भी एक पॉइंट कहलाया जाता है यहाँ का और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गुफा है नॉर्मल छोटी सी गुफा है, तो मेरे दोस्त उस गुफा के मतलब बाहर ही हैं, थोड़ा ऊपर पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से ठंडी हवा कैसी आती है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। अब
अब हम आए हुए हैं यहाँ पे लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट पे, तो यहाँ से भी व्यू एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो सारे दोस्त मेरे जो हैं वो आगे जा रहे हैं निकल के, तो हम भी चलते हैं, दिखाता हूँ आपको व्यू। सारे पॉइंट्स घूम लिए हैं और अब हम लोग नीचे आ गए थे पहाड़ से उतर के कार से, और अब जो है हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद अपने रूम पे जाएंगे, रूम पे जाने के बाद जो है थोड़ा सा आराम करेंगे, और आराम करने के बाद हम शाम को निकलेंगे। तो हम लोग जाएंगे मॉल रोड घूमने। तो ये वाले ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ। आई होप कि जब ब्लॉग आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जब ब्लॉग आए तो आप उसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना। तो अब हम लोग सारे लोग जा रहे हैं चाय पीने, और जहाँ जहाँ भी मैं आगे जाऊँगा तो आपको सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए और ब्लॉग को प्यार दीजिए। सो चलिए चलते हैं, गुड बाय और स्टे ट्यून्ड।